नमस्कार, महाराष्ट्र केसरीच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. ग्रामपंचायत सदस्य हर्ष मोदी यांनी अवघ्या 2 वर्षात पूर्ण केले निवडणुकीत केलेलं आश्वासन. गोंदिया जिल्ह्यातील तालुका सडगरजुने अंतर्गत ग्राम सौंदळेतील ग्रामपंचायत सदस्यांनी अनोखा विक्रम गाठला आहे. तब्बल 2 वर्षात आपले आश्वासन पूर्ण केल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. ग्राम सौंदळेतील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2 वर्षापूर्वी पार पडली होती. यामध्ये 3 पक्षांनी भागीदारी घेत निवडणूक लढविली. परगावी शिकणारा नावा चेहरा हर्ष विनोद कुमार मोदी हे समाजसेवेत असल्यामुळे नागरिकांनी त्यांना विजय करत त्यांच्या जनसेवा पक्षाच्या अन्य 3 सदस्यांना सुद्धा पसंती दिली. एकूण निवडणुकीत 4 सदस्य निवडून आले असले तरी विरोधी पक्षात बसले, त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्याकडून गावाच्या विकासाबाबत कोणत्याही आशा उरल्या नव्हत्या. तरी हर्ष मोदी यांनी आपल्या पक्षातर्फे केलेले आश्वासन अवघ्या 2 वर्षात पूर्ण केले आहे. मात्र या कामाचा श्रेय कुणी दुसरेच घेत असल्याचे त्यांचे लक्षात आले. म्हणजेच काम करे मुर्गा और अंडा खाय फकीर अशी म्हण दिसत आहे. हर्ष मोदी हा चेहरा सौंदळवासियांसाठी जरी नवीन असला तरी त्यांनी अल्पकाळातच नागरिकांच्या विविध समस्या सोडविल्या आहेत. भाजपचे माजी मंत्री राजकुमार बडोले व भाजपचे माजी मंत्री परिणयजी फुके यांच्या विविध निधी अंतर्गत गावात तब्बल 15 विकास कामे आणली. सदर कामे तब्बल 55 लाख रुपये एवढ्या किमतीचे आहेत. मोदी यांनी सांगितले की गावातील 12 कामे पूर्ण झाली असून फक्त 3 कामे बाकी आहेत. यातील काही तांत्रिक अडचणीमुळे बाकी आहेत तर काही राजकीय हेवेदावेमुळे. गावात 7 विंधन विहिरी व 7 दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत सिमेंट मार्गाचे काम आणले आहेत. तर गावात 1 तेली समाज मंदिर येथे सभा मंडप सुद्धा त्यांनी आणला आहे. गावातील नागरिक त्यांचे आभार व्यक्त करीत आहेत. विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील हा असा पहिला ग्रामपंचायत सदस्य असावा जो अपक्षामध्ये असून सुद्धा गावाच्या विकासासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामे खेचून पूर्ण केली आहे. मात्र विरोधकांच्या पोटात दुखणे चालू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सौंदर्य की जनता को जो आश्वासन दिए थे वो हमने विरोधी पक्ष में रहते हुए भी सौंदर्य की सारी समस्याओं को एक महत्वपूर्ण निर्णय पे लाने का पूरा काम किया है. इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माजी मंत्री माननीय राजकुमार जी बडोले, इनके सहायता से, इनके वजह से आज हमारे सौंदर्य ग्राम में सारे काम जो हमने वादे किए थे वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने पूरे किए. आज जैसे कि हमने आश्वासन दिया था गोसाई समाज के विंधन विहीर का, डीवर समाज में विंधन विहीर का, कृष्णवाड़ में सभा मंडप का एवं गोसाई समाज सभा मंडप का भी हमने आश्वासन दिया था कि सारे जगह काम हो चुकी है. डीवर समाज के भी जो बोरवेल का विषय अभी कुछ दिन पहले कई हमारे सौंदर्य के राजनीतिक दलों ने, संस्थाओं ने ऐसा आरोप किया है कि 2 साल पूर्ण होते हुए भी लोगों को आश्वासन दे के छोड़ देते और अधूरे काम करते नहीं है. मैं उन लोगों को और वो राजकीय दलों को बताना चाहता हूँ कि जनसेवा परिवर्तन पैनल एवं हर्ष मोदी खुद इस तरीके की किसी भी तरीके के आश्वासन जनता को देने के बाद पूर्ण करते हैं और किया है. उसका ये प्रमाण हमारे पास है कि ये 4 बोरवेल जिसमें सबसे पहला नाम डीवर समाज गोसाई परिषद का नाम दिया हुआ है, उसके बाद गांधीवाट गोसाई समाज का दिया हुआ है, गांधीवाट शिव मंदिर परिषद का दिया हुआ है, और चौथा महेंद्र इंगड़े शास्त्रीवाट में इनके घर के पास का है, और धनराज राउत इनके घर के पास की बोरवेल है. ऐसी टोटल कुल 5 बोरवेल है जो माननीय राजकुमार बडोले सामाजिक न्याय मंत्री इनके स्थानिक निधि से ये बोरवेल का काम किया गया था. 4 बोरवेल खुद चुकी है, उसका काम पूरा हो चुका है. लेकिन जो ढीवर समाज की जो बोरवेल थी उस समय वहाँ पे गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी. हम खुद एवं गाड़ी के साथ और उस मोहल्ले के लोग वहाँ पे जमा हुए थे. गाड़ी जाने का किसी भी तरीके का साधन नहीं था क्योंकि वहाँ पे घर बहुत चिपक के रास्ता बहुत ज़्यादा कम है. तो हम लोगों ने ऐसा कहा या वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया 6 महीने बाद हम बोरवेल खुद लेंगे. लेकिन उसके बाद का वो फंड मार्च महीने का वो फंड वापस जाने के बाद से उस बोरवेल का काम नहीं हुआ है. लेकिन उसके बाद भी हमने पाठ पूरा लिए माननीय परिणय जी फुके विधान परिषद सदस्य इनके माध्यम से हम लोगों ने बोरवेल के लिए वहाँ पे उनको मांग किया है. ऐसे टोटल हमने और 7 बोरवेल सौंदर्य ग्राम में मांगे हैं जिसपे डीवर समाज का भी एक नाम है. और इसके अलावा राजकुमार बडोले साहब के निधि से
दलित वजीर सुधार बस्ती के अंतर्गत में 35 लाख रुपए के काम माननीय राजकुमार बडोले साहब ने किए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारे सौंदर जैसे ग्राम में ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी के और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, जिसमें सभी सौंदर ग्राम के भारतीय जनता पार्टी का सबका सहयोग एवं सबका साथ हमें मिला है, उसके माध्यम से सारे गाँव में काम हुए हैं। मैं जनता को ऐसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी, भयानक महामारी के अंतर्गत में भी हमारी संस्था, हमारी पार्टी, हम जिस तरीके से आप लोगों को योगदान कर रहे हैं वो आप लोग सभी देख रहे हैं, तालुका वासी देख रहे हैं, सौंदर ग्राम के लोग देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे राजकीय दल है जो किसी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का गैर उपयोग करके टिपना टिकी आरोप लगा रहे हैं, और ऐसी सौंदर में अनेक सारी समस्या है जिसके लिए जनता जनार्दन अभी भी बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ की व्यवस्था समिति बराबर नहीं है, यहाँ की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, यहाँ की ग्राम पंचायत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और मैं लोगों को इसके माध्यम से आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी जिस तरह हमने जनता की सेवा की है, आने वाले समय में भी हम उस तरीके का सेवा करते रहेंगे। नौता काहीच नौता, मग आम्हाला ग्राम पंचायतमध्ये आम्ही अर्ज केलो पण आमची मान्य काही पूर्ण झालेली नाही, मग आम्ही हसभाऊ मोदीकडे गेलो आणि आमची पाण्याची समस्या पूर्ण झालेली आहे। और हमारे जो नाले है, रोड है, ये बराबर बनते नहीं है, और बाकी जो कुछ काम था, यहाँ एक बोरिंग था हमारे मोहल्ले में, उससे कुछ पानी कम निकलता था, तो आमदार फंड से हर्षभाव मोदी इन्होंने एक बोरिंग लाके खोदे हुए है। उन्हाळ्यामध्ये नळ येतच नव्हते, पण त्यासाठी मग बोरवेलसाठी केला मागणी, तर अंगणवाडी जो एक बोरवेल आहे पण ते बिघडली होती, मग या बोरवेलसाठी मग कंप्लेंट केली, तर मग इथे मग राजकुमार बडोले साहेबांनी त्यांच्या अंतर्गतच मग गावात विविध वार्डात सिमेंट मार्गाची गरज आहे, नवीन विंधन विहिरीची गरज आहे, जुन्या विंधन विहिरीची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, गावात सिमेंट नाल्यांची गरज आहे, विविध वार्डात हजारो समस्या आहेत, मात्र सत्तेमध्ये बसलेले लोकप्रतिनिधी गावात विकास कामे करणे सोडून राजकारण करीत असल्याचे चर्चा गावात रंगू लागली आहे। अशात विविध वार्डात विंधन विहिरी बंद असल्याने आता नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे। हर्ष मोदी यांनी कामे आणली ते पूर्णही केली, मात्र मेंटेनन्स सुद्धा स्थानिक ग्रामपंचायतकडून केले जात नाही, ही मात्र शोकांतिका व्यक्त केली जात आहे। सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सौंदळ ग्रामपंचायतीला 14 वित्त निधी अंतर्गत तब्बल 39 लाख रुपये मिळाले, मात्र या निधीचा उपयोग नेमका होतो कुठे असा सवाल इमानदार लोकप्रतिनिधीकडे केला जात आहे। बोरिंग को पाणी नाहीये, हम तलाव पे नहाने जाते है, बाल बच्ची को पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर से लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, हमको अंधेरे में संडास जाते हैं हम। इसकी सुविधा करना चाहिए, सरपंच को बोलते हैं उधर जा जाके ग्राम पंचायत वाले को, लेकिन कोई सुनते नहीं। इथे एक बोरवेल आहे खोदलेली, त्याचा जाण्याचा मार्ग नाही आहे, पाणी निघण्याचा मार्ग काही नाही आहे, नाली नाहीत, रस्ते नाहीत, ही आहेत हा कृष्णवाडा आहे, पुरा कचरा काढी आहे सर, जाण्याला मार्ग नाही, किचडमधून जातो आम्ही। हा सर, आमचा हा गांधीवाडा आहे, शिवमंदिर परिसर, या वाड्यामध्ये आम्हाला नालीची खूप परेशानी आहे आणि रोड रस्त्याची, कारण रस्त्याची पुष्कळ परेशानी आहे, कारण रोड बनत नाही आहे इकडे, इकडून ट्रॅक्टर गिक्टर पुष्कळ म्हणजे वाहनं पुष्कळ जातात, इकडे गंदगी खूप राहते पाण्याची, लोकांच्या घरात पाणी जाते, नाल्याची आम्हाला नाली पाहिजे, म्हणजे नाल्याची आम्हाला खूप गरज आहे। बोलले आम्ही खूप वेळा बोललो आम्ही, पण आमची काही समस्या पूर्ण होत नाही नालीची, लोग है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, रोड की नाला नहीं है, इधर लोग बहुत परेशान है, पानी के लिए बहुत बहुत दूर से पानी लाते हैं, नल है, नल का भी पानी बराबर नहीं मिलता, इसके वजह से ये परेशानी है, थोड़ा ग्राम पंचायत इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए।